सुखम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। अखिल कोटि भगवन नाय सच्चिदानंद धन परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु कबीरसाहब जी महाराज जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज प्रातः स्मरणीय परमलीन मेरे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज परम श्रद्धेय महार विभूति परम पूज मेरे गुरुदेव स्वामी गंगादास जी महाराज और सदगुरु के प्यारे थोड़ी साउंड बढ़ा आज सदगुरु बंदी छोड़ महाराज के परम आशीर्वाद से मेरे गुरुदेव जी के आदेशानुसार और हमारे आदरणीय सुरेश जी पुनिया और माता विमला देवी जी के शुभ संकल्प से आपके नव निर्मित ग्रह प्रवेश के उपलक्ष्य में यह छावन रखा गया। क्योंकि जब कोई भी हम मकान बनाते हैं उसमें कितनी तरह के मजदूर मिस्त्री काम करते हैं, उन सबके हाव भाव विचार अलग अलग होते हैं। कई व्यक्ति शराब बीड़ी नशा भी करते हैं तो उसी तरह के परमाणु गलत घर में घूमने लग जाते हैं। जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो उसका शुद्धिकरण करते हैं ताकि भक्ति के परमाणु हो, हमारा घर एक मंदिर बने। और जब हम घर में प्रवेश करें इसमें किसी भी प्रकार का दोष ना रहे, चाहे वास्तु दोष है या पितृ दोष है या काल सर्पी दोष है या ग्रह दोष है, सदगुरु जी के मंत्रों का उच्चारण करने से ये सारे दोष शांत हो जाते हैं, बंदी छोड़ का आशीर्वाद रहता है। तो देखो जिस घर में हम प्रवेश करते हैं हमारे कितने रिश्तेदार मित्र प्यारे बेटा बेटी पुत्र स्त्री आपको संसार में सब कुछ मिलता है, लेकिन जीवन में जब किसी संत की गुरु की शरण में जुड़ जाए और उस घड़ी उस संत का उस गुरु का घर में प्रवेश हो जाए तो समझ लेना परमात्मा प्रवेश कर गया आपके घर में। बहुत जी ने अपनी वाणी देखते में फरमाया कि सोई बड़बागिया साध सेवन करे संत में जिसे द्वारे आवे तिवलोक के जीव चल गए उदरे धर्मराय के बंधन में छुड़ावे। वो बड़भागी होता है जिसके घर में संत गुरु मेहमान बनकर आ जाए। तीन लोक के जीव बाबा जी कहते हैं उनके चरणों का आश्रय प्राप्त करके उनका उद्धार हो जाता है, धर्मराय की बंधन छूट जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जागर गुरु की भक्ति नहीं संत नहीं मेहमान, जागर जब डेरा हुआ वो हमारे मेहमान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं संत मेहमान बनकर ना आए तो समझो वहां जम के दूत वास करते हैं, वह जमराय आएगा उसके मेहमान बनकर। लेकिन जिसके सदगुरु मेहमान बनकर आ गया वहां तो परमात्मा आता है उस द्वार पर उन जीवों को लेने के लिए। उस घर में हमेशा बंदी छोड़ का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए जीवन में संतों की संगत करो, आए जो भी अतिथि आए उसका सत्कार करो, बड़ों का सम्मान करो, माता पिता का आदर करो, घर में वाणी का पाठ करो जिससे हमारे अंदर विवेक जगता है, ज्ञान पैदा होता है। तो घर में अगर शांति होगी, प्रेम होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो घर अपने आप एक मंदिर बन जाता है। अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें ये बहुत बड़ी वसीयत होती है। इसलिए जितना समय मिले 24 घंटे में से थोड़ी देर संतों के चरणों में बैठकर परमात्मा की चर्चा सुने। क्यों सदगुण संगत छाड़ कर पाप जन्म कब की गए इंद्रिय कर्म ना मोक्ष हां यमराय के अधीन। कि जो जीव सदगुरु की संगत को छोड़कर फिर कितने करोड़ों आप कर्म कर लो लेकिन इंद्रियों के कर्म से आप मोक्ष नहीं होंगे। हमारी कितनी इंद्रिया है मुख्य 5 सेंसेस आंख नाक कान मुख, वैसे 10 इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय। हर पल हम इनसे कर्म करते रहते हैं और जो कर्म कर दिया जो बीज बो दिया वह एक दिन सामने आता है। इंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो सदगुरु के ज्ञान के बिना खत्म नहीं होते हैं।
हम कहते हैं एज यू सो सो शैल यू लिव, जैसा बोलेंगे वैसा काटेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो हम क्रिया मार्ग कर्म कर रहे हैं यही आगे भाग्य बढ़ के दूसरे जन्मों में निर्मित हो जाता है। कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं, कुछ कई जन्मों कई कंठे होते चले जाते हैं, वो संचित कर्म होते हैं, लेकिन आपसे कोई कर्म हो गया उसके प्रायश्चित कर्म भी होता है। कैसे होता है, एक बार जब शंकर बाबा देवदास जी सुनारी धाम में विराजमान थे तो राजस्थान में एक व्यक्ति था जमींदार था, किसान, बाजरे की खेती बो रखी थी और रात के समय वो अपनी बंदूक लेकर हथियार लेकर रखवाली करता था कि कोई जानवर इसको खा ना जाए। एक दिन वहां एक जमींदार सो रहा आया, उसके भागने की आवाज सुनी तो उस जमींदार ने सोचा कि कोई जानवर घुस गए, उसने गोली डाल दी लेकिन वो जंगली सुअर नहीं था, वो गाय माता थी। उसके गोली मार दी और गाय माता चित्कार करते हुए खेत में गिर गई। उसने देखा जाकर कि देखो तो कौन सा जंगली जानवर है, लेकिन ये क्या, वो तो गाय माता थी। बैठकर वो रोने लग गया। हमारे यहाँ गाय माता की यात्रा बहुत बड़ा पाप माना जाता है। एक समय था हिंदुस्तान में जब आजादी का समय था 15 अगस्त 1947, हर एक व्यक्ति के पीछे 300 गायें थी और आज ये हालत हो गई है एक 300 आदमी के पीछे एक गाय है। इतनी सारी गायें मारी जा चुकी है, काटी जा चुकी है, ये बहुत बड़ा पाप है। बाबा देवदास जी गाय की सेवा करते थे, कृष्ण भगवान गाय माता की सेवा करते थे और कबीर साहब ने देखा आपको करती हुई गाय छुड़वाई थी सजना से। कबीर साहब ने ही मेरे भाई गौ का दूध मंगाया था और सदगुरु जी को पिलाया, समाधि लगी थी। सुब ऋषि मुनि संत गाय माता की सेवा करते हैं क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। वो बेचारा बैठकर रोने लग गया, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, हम क्या करूं। गांव के लोग इकट्ठे किए, अपने परिवार जन इकट्ठे किए, गाय माता को बैठा खोद कर समाधि दी गई। फिर उसने पंचायत इकट्ठी की, मेरे से पाप हो गया, इसका प्रायश्चित क्या है, मैं पूरा जीवन आत्म गलानी में रहूंगा। तो उस समय प्रायश्चित करवाया जाता था कि नंगे पैरों पगड़ी में पाद की पंख लगाकर गले में एक कपड़े की गाय की पूछ बनाकर और गंगा जी स्नान करने जा, रास्ते में बस्ती में ठहरना नहीं और किसी के घर से रोटी मांगनी तो ये कहना है मैं वो हत्यारा हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे भोजन दो। जिसके लोग तेरे से घृणा करेंगे निंदा करेंगे तेरा पाप वहां तक बढ़ता जाएगा। देखो निंदा करने से पाप बढ़ता है और प्रशंसा करने से बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। तो वो गोया जहाँ से भी गुजरता कहता मैं गो होता हूँ और मेरा पाप किया, मुझे भोजन दे दो। लोग गाली भी सुनाते, उसको बड़ा बुरा भला भी करते, रोटी दे देते, भूखा प्यासा नंगे पैरों गर्मी का मौसम और बेचारा कमजोर हो गया। जब जंगल से ही घर आया किसी ने बताया यहाँ छुड़ानी गाँव में सदगुरु गरीबदास जी है, बहुत दयालु महापुरुष है और भाई तो उसका दर्शन कर गया, तेरे को शांति मिलेगी। वो सुनाली धाम पूछते हुए आया, जब सदगुरु का दर्शन किया उस नूरी स्वरूप का, इस ब्रह्मांड के नायक बंदी छोड़कर इतनी शांति होगी, दंडवत प्रणाम किया, शरण पकड़ के रोने लग गया। बाबा जी ने अपने हाथों से उसे उठाया, भगत जी हे हंस क्या हो गया जी, मेरे से पाठ हो गया। सदगुरु ने सारी कहानी सुनी, अपने चरणों में रखा, कहने लगे तेरे को गंगा जी यही स्नान करा देंगे। अगले शाम को उन्हें आरती सुनी, सदगुरु नहाया धोया भोजन किया सो गया। इंतजार करने लगा कब सुबह हो, बाबा जी तालाब किनारे लगे ले गए उस गो हत्यारे को भी और जितने बाबा सदगुरु जी के हंस थे, भगत थे, संत थे। सदगुरु जी ने आह्वान किया और कहने भी आंख बंद कर, और उसने आंख बंद की, क्या नजारा देखते हैं, जो हरिद्वार का सीन है और महीपति के सामने गंगा माँ छुड़ानी धाम में प्रकट हो गई। उसने डुबकी लगाकर स्नान किया, क्यों, एक संत का दर्शन भी तेरे से तुल्य होता है। गिर साहब जिनके उम्र बसे हैं, झूठ कपट नहीं अंगे, उनका दर्शन आने है तो
बनना थो सलाम किया, फिर घूमने लग गया तो देखा पूरा हरिद्वार का नजारा है। एक पंडित जी मेरे पांडे, उससे प्रमाण पत्र दे लिया, उसको दक्षिणा भी दी, फिर सदगुरु के पास आ गया और उसने दृष्टि फेरी। जब वो स्नान कर रहा था उसके पैर में लोटा लगा, वो लोटा भी निकाल लिया। सदगुरु मैं स्नान कर रहा था, पता नहीं किसका लोटा सदगुरु ने ले लिया। और फिर कहा भी सारे जय बोलो गंगा मैया की बोली जय, सदगुरु को नमस्कार किया तो सारा सीन अदृश्य हो गया। देखा तो सदगुरु खड़े धाम में आ गए तो हम पूछने लग गया सदगुरु आप तो बहुत बड़ी लीला हो, आपने तो गंगा यहाँ प्रकट कर दी, क्योंकि समर्थ महापुरुष कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहेंगे ये लोटा किसका है। जब सदगुरु उपदेश कर रहे थे उसी गांव का एक पंडित जी गंगा जी स्नान करने गया था और बैठ कर चर्चा करने के महाराज मैं गंगा में गया था अगर आचमन करते इसमें लोटा बह गया जल में। सदगुरु ने तुरंत अपने पास से उठाकर कहने लगे बोले जी यही लोटा था क्या, क्योंकि यही था जी। हैरान हो गया कि मैं हरिद्वार में स्नान वहाँ उत्तर प्रदेश में किया और ये छुड़ानी धाम हरियाणा में कैसे लौटा गया। तो उस गुरु ने बताया मेरे कारण मेरे पाप काटने के लिए सदगुरु जी ने यहाँ गंगा प्रकट की थी और स्नान करते समय लोटा मेरे पैर में लगा था। और फिर सब हैरान हो गए कि इतनी अद्भुत घटना भी जगत में हो सकती है। सदगुरु मुस्कुराए, अपनी मुस्कान से अपनी माया फिर हटा ली, फिर सदगुरु का उपदेश सुनने लग गए। तो मंदिर के चरणों में एक सप्ताह रहा, फिर कहा है भगवत अगर पाप करते हैं तो सदगुरु के नाम की कमाई है। महाराज वो क्या है कि दीक्षा मंत्र है, जब हम श्वास में उसका सुमरण करते हैं तो जन्म जन्म मंत्रों के पाप नष्ट होते हैं। और बहुत इस पाप मंत्र का शीघ्रता से बयान से अगर कोई जप करता है इसी जन्म में उसका कल्याण हो जाता है, उसको घर खुल जाता है और सारे तीर्थ इस नाम के अंदर आ जाते हैं। भगवान जी ने फरमाया गरीब हर्ष का तीर्थ है नाम में सगल जमी असमान करे नए नागरी सब सामान अड़सठ तीर्थ चारों धाम इस नाम के अंदर है। कहते हैं उसके जीवन की नैया कभी डूब नहीं सकती, इसलिए हमारा संदेशा मान लो मैं समझ का संदेशा लेकर आया हूँ। उस सतलोक से कोई हंस मिले उसको ये उपदेश देना वो संसार से पार हो गए। उस भगत ने दीक्षा ली और सदगुरु की कुछ दिन वाले कर सेवा की और फिर नाम जपने लग गया। तो इसलिए कोट कोट तीरथ करे कोट कोट कर धाम और जगल संतन से ये कमल काचा काम। कभी साहब की वाणी है कितने करोड़ों तीरथ दान कर लो जब तक कोई संत नहीं मिलेगा तब तक काम कच्चा रहेगा। कच्चे का मतलब काय की जान में आते रहेंगे, जन्म मरण खत्म नहीं होगा। ये तीनों लोगों ने काल ने अपना पिंजरा अपना जाल फिरा रखा, सब उसके पिंजरे में बंद है। कोई सदगुरु आते हैं छुड़ाने के लिए, इसलिए हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं। अरुण तत्वों का ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहा है और सतो एक कबीर है जननी जनान माय अमर करू सतलोक पठाऊ ताते बंदी छोड़ कहा। हम तो सब बंधन में पड़े हैं, वो सदगुरु अपने जीवों पर कर्ता करने के लिए हमारे बंध छुड़ाने के लिए इस धरती पर आते हैं या उनके संत आते हैं। इसलिए भाई जो भी नाम जपता है वही ऊंचा अधिकारी होता है। नाम जपत को भी भला चूचू पर है काम कंचन देख इस काम की। कहते हैं जो कोटि रख ले जैसे उसे पीठ खोल बैठता हो अगर वो नाम जपता है वो सबसे ऊंचा है। और ये सोने जैसे किसी का सुंदर शरीर हो सुंदर वस्त्र पहन लिया सजा लिया अगर नाम की कमाई नहीं है तो वो ठीक राखी होंगी संसार में जाना किसी काम का नहीं है। और इस नाम से कैसे कैसे चमत्कार हो सकते हैं, कैसे कैसे कर्म कर सकते हैं। जिस समय काशी धाम में सदगुरु कबीर साहब विराजमान थे उनके शिष्य थे परमनाथ जी। परमनाथ दास जी कबीर साहब के बहुत नाम की कमाई करने वाले संत थे। फिर गंगा जी में स्नान करने गए देखा है कोटी सेठ जी है और मक्खियां भनभना रही है अपने हाथ पैर बांध रखे रो रहा है और सारे शरीर से पीप चू रही है कौन हो रखा है।
उसमें लगे ही क्या होगा, चारों तरफ आदमी इकट्ठे हो रखे हैं। कहेंगे महाराज इसको कौन हो गया, परिवार वाले धरना पड़ने लगे। जरूर धोता है ये गंगा जी में डूब के मरना चाहता है, लेकिन पुत्र स्त्री घर में इसका भाव है, कहीं मर नहीं पाता, रोजाना ये खेल करता है। कहेंगे अच्छा, परमनाथ जी ने कहा अगर आपका ये कष्ट दूर होता है तो, कहेंगे आपका बड़ा भी कृपा होगी। कहेंगे कृपा करो जी। कहेंगे सदगुरु कबीर सामने हमें एक ऐसा मंत्र दे रखा है जिससे सारी ये कर्म कर सकता है, चलो गंगा जी में और तीन बार डुबकी लगाओ, हर बार राम का उच्चारण करो। यहाँ पर कई लोगों को भ्रम हो सकता है कि राम का जो राम अक्षर है वो नाम है या सोम है या कोई और मंत्र है। देखो जब हम कोई भी मंत्र बहुत तीव्रता से अगर जपेंगे सो हम, उसमें भी मैं आता हूँ राम मैं, उसमें भी मैं भी यहाँ नाभी में धड़कन आएगी, होठबंद होंगे ओम मैं कहेंगे तो भी होठबंद होते हैं। जो अनुस्वार है हिंदी है यही भीतर का भी लगती, यही खेल है सारे का सारा। तो हरि ओम क्या आया, हिंदी में आया। तो सदगुरु ने वैसे जो मंत्र दिया था वही बताया था, उसने राम का उच्चारण किया कि जैसा जीव है उसको उसी तरह का उच्चारण कर रखे, इसका राम में विश्वास है। उसने कहा राम तीन बार, और जब जैसे ही बाहर निकला उसका सारा शरीर स्वच्छ हो गया, कोढ़ दूर हो गया। पद्मनाभ जी के चरण पकड़ लिए कि मुझे उस सदगुरु के दर्शन कराओ जिन्होंने ऐसा ये अद्भुत आपको मंत्र दिया। कभी साहब के दर्शन करने ले गए और पद्मनाभ जी ने बहुत खुश होकर कहा सदगुरु आपके नाम में इतनी ताकत, इसका कोढ़ दूर हो गया। कहेंगे तीन बार उच्चारण करवाया और दूर हो गया। कभी साहब खुश नहीं हुए, मायूस हो गया, कहने लगे तुझे तीन बार कहने की जरूरत पड़ी, इस नाम में तो इतनी शक्ति केवल हा कहने से, आधा नाम कहने से इसका कोट दूर होना चाहिए था, तुझे इतना भी विश्वास नहीं है सदगुरु के नाम से। और फिर वहां उपदेश देते हैं गिरिदास जी महाराज, गरीब अर्धनामी ऐसा नाम उचार संकट दूर होना था। राज नाम की महिमा बताई, अर्ध नाम कुंजर जपा, दस बार दस हजार वर्ष तक उसमें नदी में लड़ते रहे तो पता है कि गरा ने गज का पैर खींच लिया। ये प्रश्न आहा उहू का है, सदगुरु जी की वाणी में आता है गिरिदास जी के। और जब उसका दो वर्ष सूट ऊपर रह गए क्या हुआ, पिछले जन्मों की स्मृति आ गई। ये दोनों बहुत बड़े तपस्वी थे, केवल आधा नाम जपा था, परमात्मा प्रकट हो गए और उस गज को पार कर दिया। और नाम कुंजर, कुंजर कहते हैं हाथी को, गज गया है पार। फिर सदगुरु कहते हैं उदय महूर्त सट दिलीप ऐसा नाम उचार। सट दिलीप कौन थे, राजा सगर के विश्व सिंह के पुत्र थे, सगर के कुल में थे। और ये खड़ान दिलीप राजा इतने धार्मिक थे, इतने बलशाली शक्तिशाली थे इस धरती पर, जब देवताओं को भी स्वर्ग में ध्रुव भरती अपनी सहायता के लिए बुलाते थे उनको, और वह सहसे ही पहुंच जाते थे। एक बार देवताओं पर चढ़ाई कर दी राक्षसों ने और जाकर उनकी सहायता की, उनको विजयी करवाकर जब वापिस लौटने लगे, देवताओं ने कहा हम आपको आभार प्रकट करना चाहते, इतने सनात रहे हम आपकी क्या सेवा करें, क्या वरदान दें आपको। राजा दिलीप बहुत विवेक की बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने सोचा संसार का धन दौलत मेरे पास है, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, राज्य है, आर्थिक हो रहे हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं, और यही मैं मांग लिया तो भोगों में फंस जाऊंगा। फिर उन्होंने पूछा ये बताओ मेरी आयु कितनी शेष है। देवताओं की दिव्य दृष्टि होती है, एक चंद्र दृष्टि होती है जो हमारी आंख ये चमड़े से बड़ी है, ये केवल संसार तक भी देख सकती है। एक दिव्य दृष्टि होती है जो तीनों लोकों में देख सकते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है। एक ब्रह्म दृष्टि होती है वो संतों की होती है, जब ये खुल जाती है तो वो पूरे ब्रह्मांडों में शुभ लोकों में चौदह भवनों में देख सकता है, वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की दृष्टि होती है। उन्होंने कहा राजा आपकी आयु केवल दो घड़ी बाकी है। तो उन्होंने कहा तुरंत मेरे को भारतवर्ष की उस धरती पर पहुंचाओ और मैं तो भगवान का नाम जपना चाहता हूँ, इस राज्य भोग से क्या
महिमा शक्ति आदि फिर संसार में आना पड़ेगा। देवताओं ने अपनी शक्ति से तुरंत राजा को जल की धरती पर पहुंचाया और राजा दिलीप शांत तरह से अपनी इंद्रियों को समेट कर परमात्मा का ध्यान में लग गए, श्वास में सुमरण किया। दो घड़ी के अंदर छठ दिलीप राजा मोक्ष को प्राप्त कर गए थे। तो सद्गुरु कहते हैं उभय मुहूर्त सठ दिलीप ऐसा नाम उच्चार है हंसो, ऐसे नाम का उच्चारण करना जैसे सठ दिलीप ने किया था। तो हमें भी जीवन मिला है, पता नहीं कितना जीवन शेष है, कितनी घड़ियां बाकी हैं, कितने श्वास और हमारे बाकी हैं, हमारा श्वास खाली ना जाए, इसलिए गुरु मंत्र का श्वास के अंदर जाप करना चाहिए। इससे कितने कितने जन्मों के पाप भी साथ साथ नष्ट होते रहते हैं। कभी जब ही नाम है दे भरो भय पाप का नाशे, मानो जिनकी आग की बड़ी पुराने भाषे। हजारों में घास का ढेर पड़ा हो उसमें एक चिंगारी अग्नि की लगा दो क्या होगा, भस्म हो जाएगा। ऐसे ही नाम ये चिंगारी का काम करता है, जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करता है। कई बार हमें वैदिक दैविक भौतिक ताप होते हैं, कई पाप होता है, कई बीमारी हो जाती है, कहीं पर कई चोट लगता है डॉक्टर ठीक कर सकता है, कई बीमारी ऑपरेशन करने से ठीक हो जाती, दवाई लेने से ठीक हो जाती। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है कोई दवाई काम नहीं करती है, तब डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता तो क्या कहता, अभी कर्म का रोग है। देखो ध्यान से सुनना, और ये तरह कोई काट नहीं सकता और व्यक्ति बड़ा दुखी होता, उस कर्म के रोग को काटने के लिए फिर कौन सी दवाई है। ये प्रश्न किया था गीता दास जी ने भीषण जी से, सदगुरु भीषण जी भी कबीर साहब का ही अवतार थे, खेतड़ा में प्रगट हुए थे। और गीता दास जी जमींदार थे, बड़े बड़े खेत के मालिक थे और 70 साल की आयु में सदगुरु मिले थे, उनका घट खुल गया था। तब उन्होंने यह प्रश्न किया था तो सदगुरु ने कहा कर्म रोग का जो देखो जब कर्म का रोग लग जाए कितनी औषधि बूटी खा लेना लेकिन ठीक नहीं होता है, फिर क्या करे। सतगुरु लाओ में देख सभी दर्द लेंगे पूछे मन को फेराए कर। उस समय एक वैद होता है तो सतगुरु उसके शरण में चले जाना, वो तेरे को एक बुट्टी देंगे उस रोग को काटने की। कौन सी देंगे, सतगुरु दीन दयाल दवा देंगे नाम की, सभी दर्द लेंगे पूछे मन को ठहराएंगे। सतगुरु दीन दयाल दवा देंगे नाम की, जो कोई दवा खाए उसी के ऐसा नहीं कि नाम लेके आपने रख दिया, उसका सुनने करना बहुत सारे भीतर के कर्म कटने लग जाते हैं, फिर वो नाम और क्या प्रतिक्रिया करेगा। खाते अमर हो जाए दवा हरी नाम की, क्या माने जुगलिया की। इस नाम को जपने से अजर अमर भी हो जाते हैं। खाके अमर हो जाए दवा हरी नाम की, ये दवाई देते हैं सदगुरु, जिसको खाके हम अजर अमर हो सकते हैं। इसलिए शरीर का क्या निर्माण करना, ये तो खाक का पुतला है, 5 तत्वों से बना है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, फिर हम किस लिए निर्माण करें। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं सारे ब्रह्मांड पर राज करूंगा, सब मेरे नीचे रहे, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। रावण मर्द गर्द हो जाते हैं रावण से रणधीर, या रावण जैसे मर्द कहलाए जिसने सब देवताओं तक को बांध लिया, कैलाश पर्वत को जो हाथ में उठा ले वो इस धरती पर रहे, जो इंकार करता है फिर यहाँ पर प्रकृति की काल की मार पड़ती, उस पर संकट आता है। अभिमान मत करिए, बड़े बड़े देखे कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, देखा आपकी आंखों के सामने कैसे कैसे हाल हो जाता है।
अभिमान मत करिए, आप ही किसी रहेंगे। सतगुरु कहते हैं क्या कारण का अभिमान जुगलिया करो लगी। फिर सतगुरु कहते हैं कैसा संत जीता दबा लीजिए, अरे खाई जा तो खाए और दीजिए। गीसा संत जी ने कहा हे जीता, मेरे पास ये दवाई है नाम की, तू जितनी बता सके खा सके जप सके इस नाम को जपना, अंदर से उनों को भी बांटना, उनों का भी रोग ठीक होगा। गुरु एक बहुत बड़ी नाम की शक्ति अपने शिष्य को शक्ति पार करके देके जाते हैं, और फिर आगे वही संत इस दवाई को हम सुने बांटते हैं ताकि इनके भी कर्मों का रोग दूर हो जाए। यही नाम कबीर साहब से चला आ रहा है, और गरीब दास जी, भीषा संत जी, जीता दास जी, और हमारी गुरु परंपरा में मेरे परदादा गुरु चिदानंद जी महाराज, मेरे दादा गुरु सदगुरु ब्रह्मलीन रामदेवानंद जी महाराज जो की सहज समाधि में रहते थे, अंदर डूबने लगाए, मैंने भी उनका दर्शन किया और उनकी इतनी सेवा की है मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी ने, और उसी मंत्र की साधना परंपरा से होती आ रही है जो कि मेरे गुरुदेव में श्री स्वामी गंगादास जी देते हैं, और हम सब का सौभाग्य है हम इस दवाई का सेवन करते हैं ताकि हमारे कर्मों का एक रोग कट जाए। ये जन्म मरण का रोग है, ये सदगुरु ठीक कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो इस कर्म को रोग को काट दे। इसलिए भाई कि संतों की संगत करे बाबा की बलदेव, अपन को संशय नहीं पाए उतारे बैठे हुए। कहते हैं जो संतों की संगत करता वो बड़भागी है, और वो संत तो स्वयं पार होते ही है दूसरों को भी पार कर देते हैं। इसलिए सब शक्ति दोस्ती संतों से की प्यार, और जिनको शंका है नहीं धर्म राय दरबार कि जिसकी साहब से दोस्ती है, संतों से प्रेम है, गुरु में श्रद्धा है, उसके जीवन में जरा भी शंका नहीं है, वो धर्मराज के लिए जाएगा, वो सदगुरु के जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। चाहे सदगुरु उसको किसी जन्म में निकाले, इसमें निकाले, अगले में निकाले, या कई जन्म में निकाले। इसलिए कैसे कैसे जीवों को सदगुरु इस धरती पर पार करने के लिए आए। सदगुरु कबीर साहब ने एक वाणी में फरमाया, हमें नाम पर ना पा नाम पदारत हीरा बंदे, नाम पदारत हीरा बांदी के बाल काल जे लागे सुल्तानी हो फकीरा, नाथ मुनि की तोरा से पाटी गुरु मिल गए मारू की राह। सही नाम पदार्थ हीरा, कभी सब कहते हैं हमने तो ऐसा पदार्थ मिल गया, सारे संसार के पदार्थ फीके हैं, चाहे वो धन दौलत है, वस्त्र है, कपड़े है, भोजन है, गहने है, सब पदार्थ यही रह जाएंगे। एक नाम पदार्थ है जो हमें अजर अमर कर सकता, असली हीरा वो है। कैसा काम किया उस नाम ने, बंदी के बाल काल जेल आ गया सुल्तानी हो फकीरा। सुल्तानी बादशाह बलख शहर के राजा थे, बलख बुखारा के करुणा में कबीर साहब मिले उनको, पिछले जन्मों की भक्ति के कारण। प्रसंग ये लंबा है, मैं शॉर्ट करके सुना देती हूँ। तो बंदी बन के आए थे सदगुरु, पीछे बंदी हो आई तरकीन कांडे खाई, सुना कर फूलों की सेठ बिजती थी रोजाना सुल्तानी बादशाह की, और सदगुरु बंदी बनकर चले गए, सेठ बिछाकर उस पर लेट गए। सुल्तानी बादशाह आए, देखा कि बंदी ये काशी में थी, गई मेरी सेठ पर उसके तीन कोने मारे, वो बंदी पहले हंसी फेंक रोई थी। तो राजा ने पूछा आप हंसी क्यों रोई, क्या कारण क्या है? कहेंगे तेरे तीन कोने खाई, मेरा ताते जो हवाल होई, और जो सौरत है जी चलाता उसका कौन हाल नहीं जाता। कहते मैं एक हजार मैंने से इस पर सोई थी, और मेरे सर पर तीन कोने लगे, चमड़ी उधेड़ दी मेरी, मेरा ये हाल हुआ, और जो दिन रात इस सेज पर सोचता उसका क्या हाल होगा। सुल्तानी का ऐसा बराब हुआ, वही गेल कोलड़ा सदगुरु कई बार आए को जगाने के लिए, फिर शिकार में मिले सदगुरु से मंत्र लेकर और जंगलों में चले गए, और फिर क्या कहे पर लगिया मैं झूलो लेनाज ठा लिया गुल दरबारा। कभी तो पलकियों में चलते थे,
स्वागत फूलों की सेज पर सौंपते थे, लेकिन हम बुद्ध ने उठाई सब आवासीय वस्त्र उतारे और 14 वर्ष तक निशापुर की खाड़ी में साधना की, साक्षात्कार हो गया और बंदी सोलन के सामने फिर से प्रकट हुए उनको आशीर्वाद देने के लिए। फिर सदगुरु कहते हैं नाग मुनि की 84 कापी मिल गया गुरु पालू की ना। नाग मुनि देखो आवाज गति से सब लोगों में जा सकते थे, लेकिन 84 नहीं कटी थी। भगवान के पास गए तो लगे नारद गुरु ने बनाया है, 84 नहीं कटेगी। किसको बनाया कि सुबह सुबह नगर से जब बाहर निकले जो पठुर व्यक्ति मिले उसको गुरु बनाना। और संयोग रस्म कौन मिल गया, झिमर मिल गया। जाओ लेकर मछली पकड़ने जा रहा था, उसका नाम था पालू कीड़ा। नाग के मन में आ गया कि भगवान के कहने से गुरु तो बना लू, पर ये भी क्या गुरु है। मन में शंका आ गई, लेकिन वो इतना सादा इतना सात्विक व्यक्ति था, उसने पाप नहीं किए थे, भगवान का नाम जपता था सीधे भाव से। नामदेव के मन में फिर डलानी आई, भगवान ने कहा अभी तेरा कर्म रहेगा, 84 काटनी पड़ेगी, गुरु की निंदा कर दी तूने। तो कहने लगे क्या करे, गुरु ही काट सकता। वापिस गया, उसको कहने लगा कालू कीड़ा को मैंने 84 काट दो भगनी पड़ेगी, आपकी निंदा कर दी। वो कहने लगे 84 होती क्या है, वो अनपढ़ गवार बेचारा। कल लगे आप ही काट सकते कुछ करो, कहने 84 हो गए फिर काम ले दो। भगवान से लिखवाला कागज रख दिया, ठाकुर उस पर हाथ फेर दिया, कहेगा कटी की 84 का। मतलब ऐसी ऐसी करता है संतों के अंदर, गुरुओं के अंदर। कालू कीड़ा ने नारद मुनि की 84 काटी, जिसका लोट को भगा वही तरी 84 कटी। परमात्मा मुस्कराए कि गुरु में महान होते हैं, देखा नारद मुनि 84 काटी। फिर कहते हैं गुरु की मुक्ति को कभी ना हो गई युगत का संत कबीरा। कहेंगे गुरु के बिना इस संसार में मुक्ति नहीं होगी, ये सदगुरु कबीर साहब कथ के गए हैं। इसलिए भाई आपका बड़ा सौभाग्य है कि आज लोग